यूपी चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर कर सामने आई है और अब एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस पद को बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि होली से पहले ही सीएम योगी ने अपने मतदाताओं के कर्ज उतार दिए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने आगे अपना तंज जारी रखते हुए कहा, विधानसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी ने होली के त्योहार पर महंगाई का तोहफा देकर अपने मतदाताओं का कर्ज उतार दिया है। आटा, मैदा, तेल, घी समेत सब कुछ महंगा हो गया है, जिसके चलते 2024 में जनता बीजेपी को करारा सबक सिखाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश ने इस दौरान ईवीएम का मुद्दा भी उठाया और ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा, पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 51.5% वोट मिले और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। वैसे भी यूपी के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी की 2.5 गुना सीटें बढ़ाकर अपना रुझान जता दिया है और बीजेपी की सीटों का घटाव भविष्य का संकेत है। सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे अखिलेश यादव ने आगे अपने बयान में सीएम योगी को नसीहत देते हुए कहा कि सत्ताधारी दल याद रखे कि छल से बल नहीं मिलता है। वहीं महंगाई के अलावा अखिलेश यादव ने कानून और किसान के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला और 2024 में बीजेपी की करारी हार का दावा किया। बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खेमे में 111 सीटें आईं, जबकि 255 सीटों से बीजेपी ने यूपी में फतह हासिल की।